यूपी के जौनपुर के रहने वाले इस शख्स ने पिछले 30 सालों से एक अंधविश्वास और मौत के डर के कारण दुल्हन की तरह कपड़े पहने हैं। जलालपुर के होजखास गांव में रहने वाले 66 वर्षीय चौहान कथित तौर पर दुल्हन के कपड़े लाल साड़ी नाकी अंगूठी झुमके और चूड़ियां पहन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह पिछले 30 सालों से रोजाना दुल्हन की तरह रह रहा है। उसे मौत से डर सता रहा है जिसके कारण वह रोजाना ऐसा करता है। इस व्यक्ति ने जब तीसरी शादी की थी तो एक के बाद एक उसके 14 रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। जौनपुर में रहने वाले इस शख्स का नाम चिंता हरण चौहान है। बताया जा रहा है 66 साल का चिंता हरण जौनपुर में जलालपुर के होजखास गांव का रहने वाला है। रोजाना सुबह उठने के बाद वह लाल साड़ी पहनता है और मेकअप करता है। उसका मानना है कि वह यह सब अपनी मौत को टालने के लिए करता है। चिंता हरण के अनुसार 14 साल की उम्र में पहली शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। 21 साल की उम्र में ईंट भट्टे पर काम करने के लिए पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर चला गया। भट्टे पर काम करने वाले लोगों के लिए पास की दुकान में खाना और अन्य चीजें खरीद कर लाता था। ऐसे ही उसकी दोस्ती दुकान मालिक से हो गई। 4 साल बाद चिंता हरण ने दुकान मालिक की बेटी से शादी कर ली, लेकिन चिंता हरण का परिवार इस शादी का विरोध करने लगा। परिवार का विरोध होते हुए चिंता हरण एक दिन पत्नी को छोड़कर जौनपुर आ गया। उसके जौनपुर चले जाने के बाद उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली। चिंता हरण को इसकी जानकारी तब मिली जब एक साल बाद वह दिनाजपुर गया था। जौनपुर लौटने पर घर वालों ने चिंता हरण पर तीसरी शादी का दबाव बनाया। उसका दावा है कि उसकी तीसरी शादी के बाद से ही उसके परिवार पर कहर टूटने लगा। तीसरी शादी के कुछ महीने बाद ही उसके रिश्तेदार एक के बाद एक मौत की नींद सोने लगे। चिंता हरण चौहान का दावा है कि उसके सपने में उसकी दूसरी पत्नी आने लगी। सपने में आकर वह डराने लगी। एक दिन उसके सपने में जब वो आने लगी तो चिंता हरण चौहान ने माफी मांगी। खुद को और परिवार को बचाने के लिए उसके आगे गुहार लगाई तो पत्नी ने शर्त रखी कि वह अगर रोजाना दुल्हन की तरह सज कर रहेगा तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद वह दुल्हन की तरह रहने लगा। जिस दिन वह दुल्हन की तरह सज कर तैयार होने लगा उस दिन से उसके रिश्तेदार सुरक्षित हो गए।